हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदानी। ज्ञानदानी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के लिए मैं रेलवे ऐप से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं, जो ग्रुप डी रेलवे भर्ती और सभी जैसे UPPCS, सुपर टेट, UPPCS लोअर, RO, ARO सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप सभी को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं। पहला है, ई दृष्टि सॉफ्टवेयर का संबंध किस मंत्रालय से संबंधित है। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर का संबंध किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका उत्तर विकल्प बी सही है, रेल मंत्रालय। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट आइए देखते हैं, UTS मोबाइल ऐप सुविधा किस मंत्रालय से संबंधित है। UTS मोबाइल ऐप सुविधा किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका विकल्प डी सही है, राइट है, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है, सारथी ऐप निम्नलिखित किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका उत्तर विकल्प सी सही है, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट आइए देखते हैं फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है, रेलवे ने यात्रियों की शिकायत के निवारण तेज और व्यवस्थित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका विकल्प कौन सा सही है? इसका विकल्प ये सही है, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे बड़ी सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम की स्थापना कहाँ की गई। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर विकल्प सी है, खड़गपुर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन स्मार्ट इंजन का शुभारंभ कहाँ किया। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर विकल्प ए सही है, मधेपुरा बिहार में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। इसका विकल्प बी सही है, जर्मनी ने। इसका विकल्प क्या सही है? जर्मनी ने। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आठवां प्रश्न है, भारत ने ओखला अगरतला रेल परियोजना की शुरुआत किस देश के साथ की। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर विकल्प बी सही है, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नौवां प्रश्न है, भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन निम्न में से कौन सी है? T18। इसका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दसवां प्रश्न है, भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर विकल्प डी सही है, गुवाहाटी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ग्रहों पर प्रश्न है, भारतीय रेलवे के 2018 स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा A1 श्रेणी का सबसे साफ स्टेशन है। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर विकल्प ये सही है, जोधपुर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बारहवां प्रश्न है, स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प सी सही है, बिंदेश्वरी पाठक। इसका विकल्प सी सही है, बिंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट है, तेरहवां प्रश्न, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अश्विनी लोहन। इसका विकल्प ए सही है, राइट विकल्प है। नेक्स्ट है, चौदहवां प्रश्न, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, पीयूष गोयल। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पंद्रहवां प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है। विकल्प सी मांटुगा। विकल्प बी सही, मांटुगा है। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। इसका उत्तर विकल्प ए सही है, अशरफ अली। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल को आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।